तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट यूजर रजिस्टर एपीआई के बारे में। तो रजिस्टर एपीआई हम क्रिएट करेंगे, पर आज हम विदाउट वैलिडेशन के हम क्रिएट करेंगे। रजिस्टर एपीआई में कोई भी वैलिडेशन हम ऐड नहीं करेंगे आज के इस लेक्चर में, क्योंकि वैलिडेशन के लिए मैं प्रॉपर एक लेक्चर बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, कि कैसे हम वैलिडेशन ऐड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वरना लेक्चर काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर अपने, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, राउटर हमने क्रिएट ही कर लिया था, यूजर राउटर, तो मीन्स यूजर आउट फाइल। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले मल्टर वगैरह तो सेटअप था ही, अब यहाँ पर हमें एपीआई क्रिएट करनी है सिंपल। तो हम यहाँ पर रजिस्टर एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, और आपको पता है कि हमारी जो रजिस्टर एपीआई होने वाली है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। मैं पोस्टमैन ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखोगे स्लैश, मतलब जो मेरा पोर्ट नंबर चल रहा है 3000 ही चल रहा है, स्लैश एपीआई रहेगा हमारा, स्लैश रजिस्टर। तो ये बेसिकली हमारा एंड पॉइंट रहने वाला है हमारी एपीआई का। तो लाइक हमारा रजिस्टर हम यूज करेंगे स्लैश एपीआई, तो आपको पता ही होगा मैंने लास्ट लेक्चर में लगवा ही दिया था। स्लैश एपीआई आपका server.ejs में, server.js में लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूजर आउट के अंदर आएंगे, राउटर का हम यूज करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट एपीआई का हम यूज करेंगे, बेसिकली पोस्ट मेथड यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं स्लैश रजिस्टर। ठीक है, अब आपको पता है इसमें इमेज आने वाली है, तो हमने अपलोड बेसिकली वेरिएबल बना ही रखा है जिसमें हमने मल्टर का सेटअप किया हुआ है, प्रॉपर स्टोरेज वगैरह सेटअप किया हुआ है। तो हम यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल का यूज करेंगे, एंड इसमें हम अपना पैरामीटर पास कर देंगे जो हमारी जिस नेम से हमारी इमेज आएगी। तो हम यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से डेटा भेजेंगे, लाइक क्या क्या डेटा रहने वाला है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो कि मेरी रह गई थी लास्ट लेक्चर में, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सबसे पहले आपका नेम आएगा, और फिर आपका आता है ईमेल, मोबाइल हो गया, और आपका इमेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस इमेज का जो टाइप रहेगा वो हम रखेंगे यहाँ पर, टाइप कहाँ गया, सॉरी, टाइप टाइप ये यहाँ से मैं इसका टाइप चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर मैं रख लेता हूँ पा, या फिर यहाँ से चलो पासवर्ड रख लेता हूँ, नीचे इमेज आ जाएगी मेरी, क्योंकि उसका नीचे मैंने फाइल सिलेक्टेड कर रखा है। तो इमेज यहाँ पर आ चुकी है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ मेरी क्या रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से। तो देखिए, नेम जाने वाला है, ईमेल जाने वाला है, मोबाइल जाने वाला है, पासवर्ड जाने वाला है मेरा यहाँ से, इमेज जाने वाली है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जाने वाली हैं मेरी यहाँ से। और यहाँ पर अगर मैं मॉडल देखूँ, तो मॉडल में मेरे को एक चेंज करना था जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भूल गया था बताना आपको, कि यहाँ पर आपका देख सकते हो, यहाँ पर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, इमेज, यही चीज़ है। बट यहाँ पर इस वेरीफाइड जो है ना, बेसिकली हम यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट क्या करेगा, इसका टाइप हम रखेंगे नंबर। ठीक है, ये नंबर रहेगा इसका टाइप, एंड यहाँ पर इसका जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देंगे, मतलब जब भी कोई यूजर रजिस्टर होगा वो वेरीफाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 0 सेट कर देते हैं डिफॉल्ट में, और हम 1 सेट कर देंगे जब वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो वेरीफाइड के लिए हम 1 सेट करेंगे, वरना डिफॉल्ट में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई यूजर रजिस्टर होगा डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली उसमें 0 चला जाएगा, और 1 हम तब सेट करेंगे जब वो वेरीफाइड करेगा। ठीक है, तो अब मेरे को करना क्या है यहाँ पर, यहाँ पर मेरे को बेसिकली कंट्रोलर का मेथड प्रोवाइड करना होगा। कंट्रोलर का बेसिकली मेथड तो अभी मैंने बनाया नहीं है, बट यहाँ पर हम अपना पैरामीटर पास कर देते हैं इमेज, क्योंकि हम यहाँ पर वही पैरामीटर पास करेंगे जो कि बेसिकली आपका इस रिक्वेस्ट में जो नेम यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ध्यान से करना ही है। अब मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर न्यू फाइल, फाइल नेम इज यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, एंड यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं लाइक रजिस्टर, या यूजर रजिस्टर करके, और ये बेसिकली आपका असिंक का वेट बेसिकली हम यहाँ पर यूज करेंगे, रिक्वेस्ट आएगी इसमें, रेस्पॉन्स आएगा, एंड ये फैट एरो मेथड हमारा, सॉरी फैट एरो ये मेथड हमारा बन चुका है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, सबसे पहले तो मैं इस यूजर रजिस्टर को यहाँ से जस्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बेसिकली अपना यूजर रजिस्टर बेसिकली प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को ये यूज भी करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट कहाँ गया, यूजर राउटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना कंट्रोलर में, सॉरी,
कंट्रोलर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया यूजर कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर, अपना कस्टम मॉड्यूल हम रिक्वायर करने वाले हैं यहाँ पर। तो रिक्वायर रिक्वायर हम किसको करने वाले हैं, ये जो हमने यूजर कंट्रोलर बनाया इसका हमें रिक्वायर करना होगा, और हमें फिर यूजर रजिस्टर को हमें इसके लिए यहाँ से यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया बाहर और हम आ चुके हैं अपने बिजली कंट्रोलर्स के अंदर एंड आपका यूजर कंट्रोलर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमने यूजर कंट्रोलर वेरिएबल बनाया है जस्ट मैं यहाँ पर इसका डॉट लगा करके यूजर रजिस्टर मेथड इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। रजिस्टर हमने बेसिकली पोस्ट मेथड वाली एपीआई बना रहे हैं हम। अपलोड डॉट सिंगल हमने यूज़ किया हुआ है इमेज इमेज अपलोड करने के लिए। यूजर कंट्रोलर का हमने यूजर रजिस्टर मेथड यूज किया हुआ है, जिससे कि हम क्या करेंगे इसमें वो लॉजिक लिखने वाले हैं जिससे कि हम यूजर को रजिस्टर कर पाए इजिली। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लाइक मॉडल रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो कि बेसिकली आपका रिक्वायर करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, अपने मॉडल्स के पास आ जाते हैं। मॉडल्स में आपका यूजर मॉडल एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक यूजर करके। ठीक है, अब मेरे को रिक्वायर करना होगा अपना बेसिकली पैकेज, पैकेज नेम इज बिग क्रिप्ट। बिग क्रिप्ट मैं यहाँ पर क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को पासवर्ड जो है डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में इसलिए स्टोर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक वी क्रिप्ट करके। ठीक है, सॉरी वी क्रिप्ट, अब ये मैंने कर लिया यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना है बेसिकली ट्राई कैच यूज करना होगा, क्योंकि जब भी हम कोई एपीआई बनाते हैं तो हमें ट्राई कैच हमेशा यूज करके चलना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बेसिकली बेकार फंडा रहेगा हमारे लिए। तो ट्राई कैच हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड यहाँ पर कैच के अंदर कुछ एरर आएगी, तो यहाँ पर एरर है। तो जब कुछ एरर आती है तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स सेंड करेंगे कुछ इस तरीके का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रिटर्न लगाएं आप, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड यहाँ पर स्टेटस हम दे देंगे 400 इन द केस ऑफ एरर। ठीक है, डॉट जेसन, अब जेसन में हम क्या सेट करने वाले हैं, इसलिए एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे सबसे पहले सक्सेस। इससे क्या होता है, जो फ्रंट एंड साइड वाले होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि जब हम स्टेटस तो हम 400 सेट कर देते हैं और वो सक्सेस के ऊपर चेक लगा पाते हैं। सक्सेस फॉल्स मतलब कि कुछ गड़बड़ है सर्वर साइड पर, ट्रू मीन्स सब सक्सेस है, मतलब सब सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मैसेज में हम यहाँ से अपना एरर का मैसेज डाल सकते हैं लाइक एरर डॉट मैसेज करके। तो ये हमारा बेसिकली एक सिंपल ट्राई कैच बन चुका है। ठीक है, अब हमें अपना लॉजिक सेट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर लेते हैं। अब इसमें से मैं अपना डेटा निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो कॉन्स्ट इक्वल एंड यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपना नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, बस। अभी ये आप बोल रहे होंगे ये मैंने किस तरीके से निकाल लिया, मेरा मतलब पर्पस क्या रहा। अभी क्या होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा, बेसिकली ये सब चीज़ें आ रही होंगी, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने डायरेक्ट उनको यूज़ किया और यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। तो यहाँ पर इतना सब कुछ करने की बजाय हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पर बेसिकली निकाल के रख लिया है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया है। अब हमें करना क्या होगा, इसको हमें सबसे पहले हमारा जो पासवर्ड है उसे हमें हैश पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे विक्रिप्ट, विक्रिप्ट डॉट हैश एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना पासवर्ड पास कर देंगे जो भी हमारा इसलिए रिक्वेस्ट में आ रहा है। तो इसका हम थोड़ा सेट कर देते हैं 10, यहाँ पर मैंने वो सेट कर दिया इसके सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, एंड यहाँ पर हम अवेट का यूज करेंगे, ये इसलिए हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक हैश पासवर्ड करके, जिसमें क्या होगा हमारा हैश पासवर्ड स्टोर रहेगा। ठीक है, मतलब यूजर डालेगा यहाँ पर 1234, तो वो हमारे पास 1234 जो है हैश में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर हैश पासवर्ड हमारा क्रिएट हो जाएगा, तो जिससे हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होगा। चलिए मैं स्टोर करा लेता हूँ, लाइक मैं यूजर मॉडल का यूज करूंगा यहाँ पर। हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, न्यू यूजर, ऑब्जेक्ट में हम डालते हैं लाइक नेम।
देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, नेम कॉलन नेम डालेंगे, ठीक है, ऐसा भी ना करो, क्योंकि सेम अगर की एंड वैल्यू का जो बेसिकली नेम सेम है, जैसे यहाँ पर नेम कॉलन नेम अगर आप देखोगे दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल नेम लिख सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जैसे लाइक मान के चलो अभी मेरा ईमेल तक, ईमेल भी मेरा सेम है, दोनों जगह सेम चल रहा है, मोबाइल भी मेरा सेम चल रहा है, ठीक है, सॉरी मॉडल के अंदर एंड मेरा क्वेरी के अंदर दोनों की जगह सेम है, ठीक है, सॉरी रिक्वेस्ट के अंदर। अब यहाँ पर पासवर्ड की बात की जाए तो पासवर्ड थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा कर लेते हैं सेट। तो मोबाइल के बाद मेरे का आ जाता है पासवर्ड, तो पासवर्ड देखिए मेरा की डिफरेंस है, क्योंकि की डिफरेंस कैसे, पासवर्ड तो मैं मॉडल में यूज कर रहा हूँ बट हैश पासवर्ड के अंदर मेरा पासवर्ड रखा हुआ है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर पासवर्ड कॉलन हैश पासवर्ड कर दिया, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए अभी आपको। एंड इमेज की बात कर लेते हैं, इमेज हमने यहाँ पर की रखी हुई है, तो इमेज एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको पता होगा कि हमारी इमेज किस फोल्डर के अंदर जा रही है, इमेजेस फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपना कंट्रोलर है, इमेज स्टोर करते वक्त मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले से ही इमेज फोल्डर यहाँ पर डाल देता हूँ और स्लैश, अब यहाँ पर मैं कंकेटिनेट कर दूंगा अपना रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा पाथ के साथ बेसिकली अपना फाइल नेम चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, एंड इस यूजर को हम सेव करा देते हैं, जिससे कि हमारा डेटा जो है सेव हो जाए, तो यूजर डॉट सेव, अभी हमें बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमें यहाँ पर अवेट का यूज करना होगा, एंड ये आपका बेसिकली क्या बन चुका है, यूजर डेटा नाम का वेरिएबल। इसमें क्या होगा, ये जो एंट्री है, सॉरी ये जो एंट्रीज हैं ये इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है, इंसर्ट होने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा यूजर डेटा, जो भी हमारा करंट यूजर डेट इंसर्ट हुआ हुआ, ठीक है, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, इसमें हमारा 200 स्टेटस सेट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ओके है, स्टेटस हम सॉरी सक्सेस हम ट्रू रखेंगे क्योंकि सब कुछ ओके है हमारा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं लाइक, तो यहाँ पर एरर मैसेज तो नहीं आएगा, यहाँ पर हम बोल देते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली सक्सेसफुली, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साथ में यूजर का डेटा भी प्रोवाइड करूंगा, यूजर डेटा, तो ये हमारा बेसिकली वेरिएबल आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने इतना सब कुछ डेटा भेज दिया, अगर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है यूजर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक चेक हमें लगाना पड़ेगा टॉप पर ही, यहाँ पर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा लाइक बाय द वे मान के चलो ये जो ईमेल है उसी ईमेल से मैं अगर दोबारा रजिस्टर करता हूँ, तो हमें बताना होगा कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर चेक करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगा यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन करूंगा यहाँ पर लाइक, मैं लिख सकता हूँ ईमेल कॉलन ईमेल, बट मेरा नेम सेम है तो मैं जस्ट यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ, एंड अवेट का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर पता चल जाएगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक इज एग्जिस्ट करके, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि इस ईमेल से अगर कोई यूजर एग्जिस्ट होता है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इफ कोई एग्जिस्ट है, यहाँ पर इज एग्जिस्ट अगर ट्रू हो जाता है मीन्स कि उसे कुछ डेटा मिलेगा उसके अंदर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिटर्न फॉल्स के सॉरी एरर के केस में जो चल रहा था, उसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे बेसिकली 400 सक्सेस हम फॉल्स देंगे, और यहाँ पर हम बोल देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो इतना काम हमें करना होगा। तो चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं, बेसिकली हमारा बेसिकली सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो लाइक मैंने नेम डाला संदीप और ईमेल डाल देते हैं हम यहाँ पर sandeep@gmail.com एंड मोबाइल लाइक समथिंग, मैंने कुछ भी डाल दिया, अभी वैलिडेशन वगैरह तो हमने कुछ लगाई नहीं हुई है, पासवर्ड हम डाल देते हैं लाइक 1 2 3 4 5, फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली ये यूजर, एंड यहाँ से मैं सेंड करता हूँ इसको, तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर क्या मिला है, एरर कुछ आई है हमारे पास,
तो एरर क्या आई है कुछ पता नहीं चली। हाँ सॉरी, गेट हम यूज कर रहे थे, अब हमें पोस्ट यूज करना है ना, तो पोस्ट यूज करते हैं हम, सेंड किया मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे सक्सेस टू आया है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली संदीप संदीप एट द रेट gmail.com, और पासवर्ड आपका ये बन चुका है, इस वेरीफाइड आपका 0 गया है और इमेज ये गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक करें, अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेस के अंदर, MongoDB के अंदर, रेस्टफुल ऑथ एपीआई नाम का हमारा डेटाबेस था और यूजर्स नाम का कलेक्शन, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आ चुका है नेम संदीप, और ईमेल आ चुकी है, पासवर्ड एंड इमेज भी आ चुकी है। अगर इमेज आपको देखनी है, इमेज अपलोड हुई है या नहीं, तो चेक कर सकते हैं हम पब्लिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हो प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम ईमेल से मैं दोबारा से सेंड करता हूँ यहीं पर, तो अभी बता देना चाहिए कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, प्रॉपर ईमेल ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पर आपका मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है, वैलिडेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा होता जा रहा है, तो वैलिडेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे, और अभी हमें मेल भी सेंड करनी है जिससे कि वो वेरीफाई कर सके यूजर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नाउ लिस्ट, थैंक यू।